अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज लास्ट टाइम जो था वो हमने देखा था टर्शरी स्ट्रक्चर्स का हाफ देखा था, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी और सल्फर के जो बॉन्ड्स थे वो हमने देखे थे कि किस तरह से सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो किस तरह से बनते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ये बात याद रखिएगा कि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं वो सिस्टीन अमीनो एसिड की वजह से बनते हैं, ठीक है। वो अमीनो एसिड जिनमें सल्फर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। आपको ये तो पता है प्रोटीन्स जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, अमीनो एसिड्स का। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है सल्फर ब्रिजेस के साथ, सल्फर एटम्स के साथ, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे मौजूद है डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है, और यहाँ पे मौजूद है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साल्ट ब्रिजेस, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। साल्ट ब्रिजेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप, ये आप सबको पता है, ठीक है। आयंस ऑन आर ग्रुप्स फॉर्म साल्ट ब्रिजेस थ्रू आयनिक बॉन्ड्स। जो आयंस हैं आर ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, जो आर चेन्स होती हैं हाइड्रोकार्बन की जो चेन्स होती हैं उनके ऊपर जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं इन साल्ट ब्रिजेस को। और वो साल्ट ब्रिज किस तरह से बनते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे साल्ट ब्रिज जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा NH3 एंड यानी के अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एरिया ऑफ द प्रोटीन अट्रैक्ट एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। सब में यही होता है, इन दोनों के दरमियान ही बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो पास होती है और बॉन्डिंग जो है वो बनती है। तो जो आयंस उनको लेकर होती है उसको, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको हम कहेंगे कि ये आयनिक जो है वो बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस उसको किस तरह से कवर करता है, ठीक है। क्लोज अट्रैक्शन ऑफ नॉन पोलर, आपको पता है हाइड्रोफोबिक क्या होता है और हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रोफोबिक होता है नॉन पोलर यानी कि वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग यानी कि पोलर। तो क्लोज अट्रैक्शन ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप्स थ्रू डिस्पर्शन फोर्सेस, दे आर नॉन अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस बट रिजल्ट फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सर्टन साइड चेन्स। Very weak but collective interactions over large areas stabilize structure, repel polar and charged molecules or particles. ठीक है जी, उसका मतलब ये है कि जो tertiary structures हैं वो hydrophobic उसमें forces हैं, ठीक है। जो tertiary structure protein बनते हैं वो non-polar हैं। अच्छा जी, stabilizing interactions of tertiary structures किस तरह से जो interactions cause होती हैं tertiary structures में वो किस तरह से स्टेबलाइज करती हैं टर्शरी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस होंगी, साल्ट ब्रिजेस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और सबसे जो पहले मैंने आपको बताया था डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे आप लोग उनको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साथ साथ जो जो इंट्रैक्शन जो जो टाइप दी हुई है उसकी साथ साथ एग्जांपल भी है, ठीक है। मीथेन की एग्जांपल है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। विद वाटर अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हमारे लिए हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन है। साल्ट ब्रिज में जब आयनिक जो है वो ब्रिजेस बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, उसकी आगे एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप जो है वो बॉन्डिंग करता है, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं दोनों के दरमियान तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, OH और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके दरमियान, और डाइसल्फाइड आपको पता है कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो हैं जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो उससे जो ब्रिज बनते हैं उनकी एग्जाम्पल है। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने एज सच क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, ठीक है, मिस नहीं होनी चाहिए। अब
नेचर ऑफ बॉन्डिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर अल्काइल एंड एरोमेटिक ग्रुप्स फॉर्म अ नॉन पोलर सेंटर दैट इज रिपेल्ड बाय वाटर। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है अट्रैक्शन बिटवीन पोलर और आयनाइज्ड आर ग्रुप एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर ये वाली एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है साल्ट ब्रिज, आयनिक इंट्रैक्शन अभी हमने पढ़ा है बिटवीन आयनाइज्ड आर ग्रुप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स, उसको हम कहते हैं कि ये साल्ट ब्रिज की फॉर्मेशन है। अगर आप पूरा पीछे से नाम भी याद करें, अगर आप इस चार्ट को देख लें तो आपके लिए लिखने के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो मैंशन करना इस तरह से स्पेशली स्ट्रक्चर्स में वो वैल्यूएबल नहीं होता, ठीक है, उसकी वर्थ नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड में बिटवीन टू पोलर साइड ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ये अक्कर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट लिंक्स हैं, ठीक है, किसके दरमियान टू सिस्टीन अमीनो एसिड्स, क्योंकि सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो उन दोनों के एटम्स जो सल्फर के एटम्स हैं उनके दरमियान जो कोवेलेंट लिंक्स हैं उनको हम कहते हैं दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस इज डाइसल्फाइड ब्रिज। बात आती है दो मेजर टाइप्स हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, उसको देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। दो मेजर टाइप्स हैं तो उनमें सबसे पहले हमारे जो जहन में आती है आपने पहले भी पढ़ा होगा वो है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है जी, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन फोल्ड अप इनटू कॉम्पैक्ट स्फेरिकल शेप में आ जाती है, ठीक है। देयर फंक्शन एंड देयर फंक्शन इंक्लूड्स बायोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। इनका फंक्शन जो है वो रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ग्लोबुलर प्रोटीन की वो मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन जो है वो पाई जाती है कहाँ पे, मसल्स में, ठीक है जी। मसल्स में जो पाई जाती है प्रोटीन उसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। और वो क्या करती है, उसका काम है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करे कहाँ पे, मसल्स में, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो किस पे चलती है, मसल्स में चलती है, ठीक है। मसल्स जो है वो लेके हमारी बॉडी का पूरा मेकअप जो है उसको चलते हैं, सेल बनता है, सेल से आगे टिश्यू होता है, टिश्यू जो है वो आगे टाइटली बॉन्ड होकर मसल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। तो जो मायोग्लोबिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि स्टोर करती है, उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को, ठीक है, कहाँ पे, मसल्स में, ठीक है। Myoglobin is a single peptide chain that is a mostly alpha helix. The oxygen bonding pocket is formed by a heme group. Hemoglobin जो है oxygen carrying protein, उसका जो heme group है उसके साथ oxygen की bonding होती है. And specific amino acid side chains that are brought into position by the tertiary structure. तो ये specific amino acid की जो side chains हैं वो इस तरह उसके साथ बाउंड करते हुए पोजीशन में आती हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर द टर्शियरी हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, तो ये वहां से उनकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फिब्रस प्रोटीन्स, ठीक है जी। फिब्रस प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फाइबर्स एंड आर मेनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि फिब्रस प्रोटीन की हम अगर डिफाइन उसको करें तो वो इस तरह से है कि वो लॉन्ग फाइबर्स हैं, ठीक है, और लॉन्ग यानी कि फाइबर्स की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कैरेटिन की। कैरेटिन आर फिब्रस प्रोटीन्स दैट मेक हेयर फर नेल्स एंड स्किन, ठीक है जी। आपके नाखून, आपके बाल, ठीक है, और एनिमल्स की जो फर है, फर जो है वो भी हेयर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं तो उसको हम फर का नाम देते हैं, ठीक है। तो सारी जो है अल्फा कैरेटिन या कैरेटिन जो है वो बनाती हैं, और वो क्या है, फिब्रस प्रोटीन है, ठीक है जी। हेयर इज मेड अप ऑफ ट्विन फिब्रल्स विच आर बेस्ड ऑफ थ्री अल्फा हेलिक्स। तीन अल्फा हेलिक्स जो हैं वो इस तरह से वाउंड होती हैं कि हेयर जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। Similar to the triple helix structure of the collagen, collagen जो है
का अगर स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल उसी तरह से जो है वो हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें हेयर ग्रुप की जो प्रोटीन है उस तरह से तीन चेन्स में पेप्टाइड चेन्स में जो है वो बाउंड होती है, उसके बाद जो है हेयर की बेस बनती है। द अल्फा हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अल्फा हेलिक्स जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है उनके थ्रू बाउंड होते हैं। बीटा कैरोटीन्स किन में पाई जाती हैं? फीडर्स एंड स्केल्स। अब आप सोचेंगे स्केल्स क्या हैं? फीडर्स जो हैं फीडर्स जो हैं यानी के बर्ड्स के, ठीक है, बर्ड्स में ही पाए जाते हैं फीडर्स। इसके अलावा बाकी जो हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और बैट्स हैं, उनमें जो है वो फीडर नहीं होते, उनमें विंग्स होते हैं, ठीक है। तो फीडर्स जो हैं वो पाए जाते हैं इनमें बर्ड्स में, तो बर्ड्स के फीडर्स जो हैं वो बनते हैं किसके बने हुए होते हैं? बीटा कैरोटीन प्रोटीन के। स्केल्स जो हैं वो पाए जाते हैं लिजर्ड्स में, ठीक है। इसके अलावा सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो फिश की है, ठीक है। फिश की बॉडी के ऊपर अगर आपको नजर आते हैं चमकदार से, ठीक है, बने हुए गोल गोल से, जो अगर आप कटिंग करवाने के लिए भी जाते हैं तो ऊपर से उसको उतार देते हैं, तो उसकी स्किन जो है उसको हम कहते हैं कि दे हैव स्केल्स। तो वो स्केल्स जो है वो भी मेड अप होते हैं इससे प्रोटीन बीटा कैरोटीन है उसके साथ, ठीक है जी। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है बीटा प्लेटेड शीट्स के साथ। अच्छा जी, अब जो आपने पढ़ा है कि मायोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, कौन सी टर्शियरी प्रोटीन है, तो हम उसको जरा अगर आपके सामने ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन का वो प्रोड्यूस होता है। अल्फा जो शीट्स हैं वो और बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से लिपट जाती हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं दिस इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर आप मायोग्लोबिन के बारे में देखें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मायोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, किसकी? आपका जो मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने वाली प्रोटीन जो है वो कैरी करने वाली वो है मायोग्लोबिन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, पहले हमने देखा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, उसके बाद हमारे पास आया टर्शियरी स्ट्रक्चर। तीनों के जो अभी तक तीनों के जो फैक्टर्स हैं, तीनों के जो फीचर्स हैं, तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अगर आप प्राइमरी की तरफ जाते हैं तो प्राइमरी जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। बहुत ही आपको चेन्स मिलती हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक रो में मिलती हैं, उसमें कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है, याद रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन, ठीक है जी। इंसुलिन की जो दो चेन्स हैं उनमें अमीनो एसिड इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो हमें जो है वो स्ट्रक्चर देती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हर प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक है अपने अमीनो एसिड के इस स्पेसिफिसिटी के साथ। देन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड जो है उस पर स्पेसिफिक है प्रोटीन, ठीक है। अगर एक भी अमीनो एसिड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी जो जेनेटिक मेकअप है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वहाँ पर म्यूटेशन जो है वो काज हो जाती है। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। जरा जाके देखिएगा कि कौन सा जो अमीनो एसिड है वो वहाँ से उसकी जगह कौन लेता है और वो किसकी जगह पे जाता है। तो सिकल सेल अनीमिया जो है ब्लड रिलेटेड डिजीज जो है वो काज होती है, ठीक है जी। आप लोगों ने ये देखना है और ये एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो म्यूटेशन की फॉर्म में किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा कि इसमें इंट्रैक्शन जो है उनके ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें आपके पास दो आती हैं चीजें, एक आती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, दूसरा आता है बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है जी। तो वो तो क्लियर हो जाता है कि वो उनके दरमियान बॉन्डिंग है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग है।
लेकिन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो इंट्रैक्शन आते हैं कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें वो हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है उसका स्ट्रक्चर, वो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक भी है, इंट्रैक्शन पाई जाती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड यानी कि साल्ट ब्रिजेस भी हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी हैं, ठीक है। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं तो वो मायोग्लोबिन है जो कि मसल की प्रोटीन है। अब नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, एक बार आपने ऐसा करना है कि सेकंड हिट की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, फर्स्ट ईयर की जो बुक है बायो की उसमें मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर का मुझे नाम नहीं आता एग्जैक्ट, शायद केमिकल केमिस्ट्री या क्या है उसका नाम, उसमें आप लोगों ने प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनको दफा रीड करना है। वो बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल जो है वो उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, 2-3 लाइंस में जो है वो हर स्ट्रक्चर की एक कम्पैक्ट जो है कॉन्सेप्ट वो लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो स्लाइड्स हैं उनको देखना है, ठीक है। अच्छा, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स द क्लस्टरिंग ऑफ सेवरल इंडिविजुअल पेप्टाइड और प्रोटीन चेन्स इनटू अ फाइनल स्पेसिफिक शेप। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या टर्शियरी स्ट्रक्चर दो आपस में इस तरह से वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और उनमें इस तरह से क्लस्टर्स की फॉर्म में पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन की चेन्स में मौजूद होते हैं जो एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की है वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन कैरियिंग प्रोटीन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। अ वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होल्ड द वेरियस चेन्स इनटू अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। मैंने आपको भी बताया कि अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के दो मॉलिक्यूल जो हैं ये दो टर्शियरी स्ट्रक्चर इस तरह से बॉन्ड कर जाएं तो उसको हम कहते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साल्ट ब्रिज है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री यानी कि पर्टिकुलर जो शेप है प्रोटीन की उसको फोल्ड करते हुए जो है वो बनाती है। टू काइंड ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स, बोथ आर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, होमोडाइमर एंड हेट्रोडाइमर। होमोडाइमर एसोसिएशन बिटवीन आइडेंटिकल, होमोडाइमर होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और जो उसमें सेम किस तरह से कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिन्होंने एक दूसरे के साथ कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाना है दे आर आइडेंटिकल, ठीक है, वो क्या है सेम है। और हेट्रो चूंकि डिफरेंट है तो जिस जो सब यूनिट्स जो हैं जिन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, वो एक दूसरे के डिफरेंट हैं, जो आपस में मिलके जो है वो एक इंट्रैक्शन बनाएंगी, आपस में मिलके जो है वो एक ज्योमेट्री जो है वो पास करेंगी। द इंट्रैक्शन विद इन मल्टी सब यूनिट्स आर द सेम एज दैट फाउंड इन टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। जो इंट्रैक्शन जो हैं वो मल्टी सब यूनिट्स में वो सेम है जैसे टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब आपको समझ आ गई कि जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम उसको प्रॉपर एक स्पीचेस के फॉर्म में उसको लिखें तो किस तरह से जो है वो लिखें। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स ऐड स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग द सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉल की फॉर्म में आपको ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इस टर्शियरी स्ट्रक्चर का हम छोटा सा पार्ट जो है वो लेके विजुलाइज करें तो आपको इस तरह से नजर आएगा डिफरेंट जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स लेकिन एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्सेस वायरल कैप्सिड एंड प्रोटियोसोम्स, ठीक है। जो वायरस का कैप्सिड होता है उस वो क्या है वो प्रोटीन है, ठीक है। तो जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो उसका बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जो है वो नजर आ रहा होगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कि दो प्रोटीन्स जो हैं तो पहले ही एक कंपैक्ट फॉर्म में है जैसे कि टर्शियरी प्रोटीन्स हैं वो दोनों जो हैं एक कंप्लीट पैकेज एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड कर गई हैं विद इंट्रैक्शंस, ठीक है जी। तो आगे जो है वो हमें मिल गया है टर्शियरी स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर जो हमारे पास एग्जांपल आती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप सबको पता है हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन है। ठीक है, तो किस तरह से वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाती है। हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विद फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाउंडेड टुगेदर, इट देयरफॉर हैज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। There are four heme groups, each containing iron. आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर की बुक में जरूर है ये, कि चार जो heme groups होते हैं उन चारों के साथ एक एक iron का जो आइटम है वो मौजूद होता है, वो एक एक iron जो है उनके साथ अटैच होता है। ठीक है जी, चार heme groups हैं hemoglobin में, उन सब के साथ iron जो है वो अटैच है। Each heme group can carry one molecule of oxygen, और हर heme group में एक oxygen का भी molecule है। तो इस तरह से उसका जो structure है आपके सामने है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, beta chains, alpha chains, और heme group, iron, ठीक है, और इसके अलावा oxygen साथ में attach है। तो four polypeptide chains, चार polypeptide chains होती हैं, ठीक है, जिनमें two alpha helical structures की chain होती हैं, और two जो है वो बीटा प्लेटेड चेन्स होती हैं। ठीक है, कि बीटा प्लेटेड चेन्स और अल्फा चेन्स जो हैं वो आपस में इस तरह से बाउंड की हुई होती हैं, चार चेन्स बनाती हैं ये मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और इसमें जो है वो मौजूद है हीम ग्रुप, ऑक्सीजन एंड आयरन, तो इसको हम नाम देते हैं क्या है, हीमोग्लोबिन। अच्छा जी, यहाँ तक जो था वो आपके चार स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, कि किस तरह से प्रोटीन जो है उसके चार स्ट्रक्चर्स जो हैं या प्रोटीन जो हैं वो स्ट्रक्चरली किस तरह से उससे डिफरेंट हैं, और जो इंफेक्शंस हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं और वो क्यों डिफरेंट हैं। तो लास्ट में अब हमारे पास आता है पूरे जो चैप्टर है उसका निचोड़, कि जो की पॉइंट्स हैं इन स्ट्रक्चर्स को लेकर वो क्या है। ठीक है, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स रिजल्ट फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कैन बी स्ट्रक्चर्स इन थ्री डायमेंशंस। टर्शियरी स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोटीन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा हेलिकल बीटा प्लेटेड शीट्स लूप्स एंड टर्न्स। आपको लूप्स भी मैंने पढ़ाए हैं और टर्न्स भी पढ़ाए हैं, अगर आपको पिछला लेक्चर जो है वो याद हो। लार्जर प्रोटीन्स ऑफन हैव मल्टीपल फोल्डिंग डोमेन्स, फोल्डिंग ऑफ वाटर सोल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनटू देयर नेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म बेसिक रूल्स प्रिंसिपल, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो बॉन्डिंग इन्फेक्शन है ये इसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। सम प्रोटीन्स हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनके फोर मोर देन टू जो चीज होती है उसको हम मल्टीपल या उसको हम कहते हैं पॉली। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन मल्टीमेरिक प्रोटीन्स इज जनरली सिमेट्रिकल। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैन प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल्स फॉर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स स्पेशली इन रेगुलेशन। अब आपके सामने स्ट्रक्चर हैं दोनों के। ठीक है, किस तरह से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो कम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स हैं और अल्फा हेलिक्स हैं, दोनों जो हैं जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाती हैं तो एक डोमेन जो है वो कास्ट हो जाती है, और उस डोमेन को हम कहते हैं कि दिस इज कैम्बी स्ट्रक्चर। ये डोमेन जो मजीद कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, डाइमर बन जाता है, एक हेट्रोडाइमर या होमोडाइमर, उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, दिस इज अ समरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। सेकेंडरी जो है वो आपको पता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट है। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काज होती है और बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड्स विदिन द चेन। टर्शियरी में आपको पता है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल शेप के साथ स्टेबलाइज होते हैं, इंटरेक्शन सल्फर की इंटरेक्शन, साल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारी इंटरेक्शन जो है वो मैंने आज आपको बताई हैं। उसके बाद आती है क्वार्टरनरी, दो या उससे ज्यादा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो इस तरह से बॉन्ड करें के वो हेट्रोडाइमर या होमोडाइमर क्रिएट करें और बायोलॉजिकली वो एक्टिव वो प्रोटीन, उसको हम कहते हैं दिस इज क्वार्टरनरी। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं विद फीचर्स प्रोटीन्स, हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के फीचर के साथ उसका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीट हो गया। आपको
आई होप आप जो है वो उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि अगर आप जो है वो डिफरेंशिएट आपको करना हो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है, मायोग्लोबिन इज फॉर टर्शियरी एंड हीमोग्लोबिन इज फॉर क्वार्टरनरी। तो आप उनकी एग्जाम्पल दे के जो है वो उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं इन डेफिनेशन अपने नाम के अकॉर्डिंग, और किस तरह से ये स्ट्रक्चर में भी जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन कौन सी है, ठीक है। अब करना आपने ये है, एक तो आपने सिकल सेल एनीमिया क्यों काज होता है, ठीक है, ये देखना है, और दूसरा आपने जो है वो ये करना है कि सेकेंड फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है उस एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, उसका नाम मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर की बायो की बुक में, ठीक है, बायोलॉजी की बुक में सेकेंड चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो उसको आप लोगों ने देखना है, वो बहुत ही उसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधी सीधी बातें, उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने ये देखनी है तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट में वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं और उसमें सीधी सीधी लाइन में लिखा हुआ है कि कौन किसमें कौन सी इंफेक्शन होती है, किस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो ये क्यों है, व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, और वहाँ पर मौजूद है प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिकल सेल एनीमिया की एग्जाम्पल, व्हाई सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड, म्यूटेशन है क्यों काज होती है, जेनेटिक मेकअप जो है उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन होती है वहाँ पे वो उसमें जो प्रोटीन का जो मेकअप है स्पेसिफिक फॉर ब्लड, तो उसमें जो है वो चेंज आता है अमीनो एसिड में, डिस्प्लेस होते हैं, दो अमीनो एसिड अपनी जगह चेंज करते हैं, म्यूटेशन जो है वो काज हो जाती है, और आपको पता है जेनेटिक मेकअप में जो नॉर्मेलिटी आती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, सडन चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। तो जब प्रोटीन्स जो हैं वो उनकी स्पेसिफिसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे म्यूटेशन जो है वो काज हो जाती है। ये था आज का आपका लेक्चर, कल जो है इंशाल्लाह जिससे आपका लेक्चर होगा मैं देखूँगी, आप लोगों का सिलेबस तो सारा कवर हो चुका है लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो दोबारा से देखने जरूरी है, इसलिए फिर कल जो है वो आपका लेक्चर उससे होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम यहाँ पे कम होता है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी सेंड किया हुआ था तो मैं उसको भी देख के उसका भी जो है वो रिप्लाई करती हूँ, कैंडिडेट जो है आप लोग अपनी मार्क करते हैं। Okay, class, love is...